नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी तक जो है हम आकलन आप सभी को पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर वन से पढ़ाइए, चैप्टर वन से पढ़ाइए। ठीक है, उसमें चैप्टर वन से मैंने नहीं शुरू किया था, हम सोचे थे कि जो पोर्शन आसान है वहाँ से चीज़ें आप कुछ समझ में आ जाए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, क्योंकि अगर स्कूल या कोचिंग खुलेगा तो आपको हमेशा वहाँ से चैप्टर वन से ही पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों हम अब कल से, यानी कि आपको जो लेक्चर मिलेगा अब जो है चैप्टर वन से शुरू होगा, चैप्टर वन चैप्टर टू अब चैप्टर वाइज चलेगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आकलन जितना सीखे हैं आप वहीं पे उसे ब्रेक कर दीजिए, आकलन को हम फिर से हम एक बार पढ़ा देंगे, उसमें रिविज़न आपका हो जाएगा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वन से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बुक पार्ट वन है, आपको दो बुक पढ़ना है, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, दो किताबें पढ़नी है, इसीलिए काफ़ी पहले सिलेबस शुरू करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं हो पाता है कभी कभी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो बुक पार्ट वन है उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर है, वो सब कैसे पढ़ना है और किस चैप्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन कितने नंबर हमें दे के जाएगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चैप्टर वन पढ़ना है जो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कि समुच्चय का बड़ा काम है। ठीक है, तो हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी क्लास इलेवेंथ की बुक है उनके पास थोड़ा सा जो बेसिक है, जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं कि समुच्चय कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लें एक बार। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास टेंथ का जो फार्मूला है जितना भी ना उसे हम लिखवाएंगे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फार्मूला, क्लास टेंथ का जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दोनों चैप्टर वन और चैप्टर टू मिला के आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर देंगे। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, 10 मार्क देंगे, क्लियर है। तो चैप्टर वन और चैप्टर टू दोनों ही मिला के, हम ये नहीं कह सकते कि चैप्टर वन से 5 नंबर आएगा, चैप्टर टू से 5 नंबर, हो सकता है 6 नंबर इससे आए, 4 नंबर इससे आए, 8 नंबर का इससे आ जाए, 2 नंबर का इससे आए, लेकिन दोनों ही चैप्टर का कंट्रीब्यूशन होगा 10 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है चैप्टर 3 और 4, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चों को पास कराने के लिए यही चैप्टर काफ़ी होता है, जो कि आव्यूह और सारणिक होता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश भी आप सीखते जाइए, जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द यूज किए जाते हैं, कम से कम उसकी इंग्लिश आप सीख लीजिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। दोस्तों इसका कंट्रीब्यूशन जो है आपको 13 नंबर रहेगा, 13 और 10 नंबर जो पहले दूसरे चैप्टर से मिला के, तो 10 अब प्लस 13 यहाँ से आपको मिल जाता है 23 नंबर। ठीक है, यानी कि जब आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके आपको बनेगा 23 नंबर। उसके बाद जो इस बुक में, यानी कि पार्ट वन बुक में है, वो हमें आकलन एवं आकलन के अनुप्रयोग, डिफ्रेंसिएशन एंड अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये जो है ये करीब जो है आकलन और समाकलन मिला के, जो कि पार्ट सेकेंड में शुरू होगा, उसका कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के जो 44 नंबर होता है। तो फिलहाल जो है हम लोग अभी फोकस करेंगे कि जो 23 नंबर का है वो चीज़ हम तैयार करें, चैप्टर वन से पढ़ाई करेंगे। चैप्टर वन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है आज चैप्टर वन शुरू करते हैं, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में हमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख दिया है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अभी आपके पास किताबें अवेलेबल नहीं है तो चीज़ों को डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वन दोस्तों संबंध एवं फलन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और ये भी बताइए अपने दोस्तों को कि शुभम क्लासेस पे, जो कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए बेसिक मुख्यतः इसकी तैयारी करवाता है बोर्ड के लिए। ठीक है, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन की बात यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ बात होती है क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड की प्रिपरेशन की बात। बहुत बच्चों ने इस चैनल से पढ़ के 90% पिछली बार जो है, अभी तो 2020 का रिजल्ट आया नहीं है, आएगा, देखते हैं शुभम क्लासेज में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हर सब्जेक्ट के टीचर आपको अलग अलग मिलेंगे, फिजिक्स के लिए संजीव सर हैं, मैथ के लिए हम हैं और केमिस्ट्री के लिए शुभम सर खुद ही उसके एक्सपर्ट हैं, और साथ में हिंदी इंग्लिश सबके आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। संबंध में फलन में क्या पढ़ना है आपको, संबंधों के प्रकार। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में कि संबंध क्या होता है, पहले उसको हम डिफाइन करेंगे कि संबंध होता है क्या। सिंपली संबंध दो चीज़ों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक ना, उसी चीज़ को हम डिफाइन करेंगे।
ठीक है, तो उसको मैथमेटिकल का मैथमेटिक्स का रूप देंगे कि मैथमेटिक्स में संबंध का क्या मतलब है, संबंध होते हैं तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे व्यवहारिक लाइफ में भी दो लोगों के बीच में क्या हो सकता है, चाचा भतीजा का रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, ठीक है, मामा मामी का किसी प्रकार का रिलेशन हो सकता है। तो वो बहुत टाइप के हमारे रिलेशन मिलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको चार प्रकार के रिलेशन मिलेंगे। पहला है स्वतुल्य संबंध, ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सारे पढ़ने हैं। सममित संबंध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा जो है आपका ट्रांसटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध, ठीक है। चौथा जो है तुल्यता संबंध जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों ये जो है आपको चार प्रकार के संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। तो बात की बात है, अभी चीज़ देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एकैकी और आच्छादक यानी कि वन वन एंड आन टू फंक्शन क्या होता है। बहुत इजी वे में आपको पढ़ाएंगे, कोई चीज़ बहुत कठिन नहीं, बेसिक से शुरू करेंगे और एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको हम कराते जाएंगे। उसके बाद हम संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन दिए हैं उनको कैसे हम कंपोज करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है जो इसमें टॉपिक है फलन का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें दोस्तों एक टॉपिक फाइव था जो कि द्विआधारी संक्रियाएं थी, बाइनरी ऑपरेशन था, वो हटा दिया गया है, तो उसे नहीं पढ़ना है। जितना यहाँ पे लिखा गया है उतना ही आपको चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि संबंध क्या होता है और संबंध जो के टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसके बारे में डिटेल में हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो समुच्चयों का सबसे पहले दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, ठीक है। समुच्चय सबको पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को जो सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, रिक्त समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं, अपरिमित समुच्चय हैं, ठीक है, तमाम तरह के पूरक समुच्चय हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो रिलेशन हमें समझने के लिए हमें समझना है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। इसमें मान लेते हैं, माना कि एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 2, 4, 7 है। देखिए समुच्चय को जो लिखने का तरीका है, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, सबको पता है, और जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसमें एक कॉमा से हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। एक समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड है, ठीक है। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, अवयव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हमें देखना है कि कार्तीय गुणनफल कैसे डिफाइन होता है, कार्तीय गुणनफल को दिखाते हैं दोस्तों ए क्रॉस बी से, ठीक ना। समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ कार्तीय गुणनफल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंग्लिश में भी आप जो है चीज़ों को खाली एक बार सुनते जाइए, बहुत काम आने वाला है। बहुत बच्चे जब तैयारी करने जाते हैं IIT JEE वगैरह का, तो वहाँ पर आपको सीधे इंग्लिश में ही बोला जाता है, तो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, लेकिन क्या है, इंग्लिश में जब आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो सबसे पहले समुच्चय ए से एक एलिमेंट उठाएंगे, बहुत आसान होता है, 2 उठा लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि बी के प्रत्येक अवयव के साथ इसका सेटअप कर देंगे, यानी कि 2, x, यहाँ पे देखिए 2, y, यहाँ पे हो गया 2, z, ठीक है। अब उठाएंगे दूसरा एलिमेंट यानी कि 4 को उठाएंगे और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ उसको पेयर कर देंगे अभी, तो 4, x यहाँ पे हो जाएगा 4, y, ये चीज़ आपको लिखने आना चाहिए, 4, z, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 7 बचा, 7 को उठाएंगे और फिर से जो है समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ उसका क्या कर देंगे, जोड़ा बना देंगे इसको। अभी कई चीज़ें इसमें टर्मोलॉजी हैं, उसमें आएंगी, उसको हम बता रहे हैं क्या चीज़ होगा। तो ये चीज़ आपको लिखने आना चाहिए। कोई भी अगर समुच्चय दिया है, समुच्चय दो समुच्चय दिए हैं, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अपने आप में एक समुच्चय हो गया जिसके अवयव जो है, इसको देखिए इसमें क्या बोलते हैं, जो 2, x है इसको बोलते हैं ये एक युग्म हो गया, यानी कि 2, x जो लिखा गया है एक पेयर में हो गया, यानी कि 2 जुड़ा है x से, 2 जुड़ा है y से, ठीक है। अगर हम देखा है तो ए क्रॉस बी एक समुच्चय हो गया जिसके एलिमेंट जो है, देखिए इस तरह से लिखे हुए हैं कॉमा करके, और इसके जो एलिमेंट हैं वो एक युग्म है, एक पेयर है। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी एक समुच्चय हो जाता है जिसके अवयव एक युग्म के रूप में होते हैं, एक पेयर के रूप में होते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इंग्लिश में पेयर के रूप में, तो 2, x इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और एलिमेंट जो है, और जो
ए क्रॉस बी लिखा है तो जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक ना, जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, यानी कि समुच्चय ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर हम ए क्रॉस बी ना करके अगर बी क्रॉस ए कर दें तो ये चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक ना। तो अगर बी क्रॉस ए करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, समुच्चय बी का पहला एलिमेंट उठाएंगे, यानी यहाँ पे हो गया एक्स, और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, यानी कि एक्स को उठाएंगे टू, एक्स कॉमा टू हो गया, एक्स को एक्स का पेयर होगा फोर के साथ, क्लियर है, एक्स का पेयर होगा सेवन के साथ। ये चीज़ें तब बदल जाती हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या उठाएंगे, यहाँ पे वाई कॉमा टू, वाई का पेयर होगा यहाँ पे कॉमा करके, वाई इसको लिखना बहुत ज़रूरी है तभी आप सीख पाएंगे, फिर वाई का पेयर होगा सेवन के साथ, तो वाई कॉमा सेवन, ठीक है। अब जेड उठा लेंगे यहाँ पे, तो जेड का जेड को उठा के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर करेंगे, तो जेड का पहले पेयर करेंगे टू के साथ, जेड का पेयर करेंगे फोर के साथ, और जेड का पेयर करेंगे सेवन के साथ, ठीक ना। अब देखिए समुच्चय यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है इसको एक सी नाम दे दीजिए, एक नया सेट, अब बी क्रॉस ए है, दोनों समुच्चय में खास बात यह है कि दोनों ही समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो बराबर होगी, ये एक पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। इसमें अगर अवयव को संख्या देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें भी नौ होंगे और जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें भी नौ होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बिल्कुल भी डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये जो ऑर्डर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर बी क्रॉस ए लिखा गया है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो, ये जो पहला एलिमेंट होगा वो समुच्चय बी का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो समुच्चय ए का होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये समुच्चय, ये जो एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स टू बी का मतलब होता है कि ये जो एक्स होगा समुच्चय बी का एलिमेंट होगा, और ये दूसरा जो है यानी कि टू बिलोंग्स टू ए, जो है हमारा जो एलिमेंट टू होगा उस समुच्चय ए से संबंधित होगा, क्लियर है। ये ऑर्डर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्लियर है। एक दो और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए धीरे धीरे हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसी चीज़ को हम लोग रिलेशन के रूप में अगर समझना है तो समुच्चय ए के एलिमेंट 2, 4, 7 है, समुच्चय बी के एलिमेंट एक्स वाई जेड है, तो यानी कि 2 का जो रिलेशन है एक्स के साथ है, 2 का रिलेशन वाई, इसको हम रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, संबंध थोड़ा सा डिफिनेशन इससे डिफरेंट है। अभी हम सिखाए हैं कि दो समुच्चयों का कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल किया जाता है, उसके बाद सीधे हम आएंगे संबंध पे। इसको समझने के लिए कि मान लीजिए एक समुच्चय एक्स है, एक समुच्चय वाई है, समुच्चय एक्स के जो अवयव हैं ए बी सी हैं, और समुच्चय वाई के जो अवयव हैं वो अंडर रूट टू और अंडर रूट फाइव हैं। तो अगर समुच्चय एक्स से वाई में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है एक्स इंटू वाई, ठीक ना, एक्स इंटू वाई, तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। पहले तो ए का जो पेयर बनेगा वो अंडर रूट टू के साथ, ए का पेयर बनेगा अंडर रूट फाइव के साथ। इसको आप अगर एक्स, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ए दे दीजिए, कैपिटल ए। जो समुच्चय को लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आपको धीरे धीरे जो है अगर भूल गया हो तो कोई बात नहीं, हम उसमें हम आपको बताते जाएंगे, ठीक ना। ए क्रॉस बी यानी कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल कैसे लिखा जाता है वो चीज़ हम, इसको हम एक ग्राफ द्वारा, एक मैपिंग द्वारा, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण द्वारा हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए को उठाएंगे और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ उसका पेयर कर देंगे, तो ए कॉमा अंडर रूट टू और ए कॉमा जो है अंडर रूट फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि बी को उठाएंगे तो बी का फिर से अंडर रूट टू के साथ पेयर हो जाएगा और बी के साथ इसका, ठीक है। यहाँ पे जो अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो उसमें सबसे पहले जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो बी, मतलब समुच्चय ए का होगा, तो बी कॉमा अंडर रूट टू और बी कॉमा अंडर रूट फाइव। दोस्तों अगर आप देखिए बैठ के अगर आप समय का सिर्फ ये सोचेंगे कि समय निकल जाए, 3 मई लॉकडाउन कब ख़त्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो समय का अगर आप सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, और घर पर बैठ के कम से कम 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और जो भी बच्चे हैं, देखिए आप जब 12th में होते हैं तो आप अन्य बच्चों से बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्यों,
क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फाइनली आपको आपको ही बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना है, चाहे लॉकडाउन कभी भी खुले और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन एग्ज़ाम हर हाल में आपको ही देना है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बैठ के समय ना व्यतीत करें, समय का सदुपयोग करेंगे तो आप जो है आपका टाइम भी अच्छे खासा स्पेंड हो जाएगा। बाकी टाइम में आप क्रिकेट खेलिए, दोस्तों के साथ टहलिए, कुछ डिसीजन करिए और एक बेहतर परिणाम की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसमें आप क्या करेंगे कि जो समुच्चय ए का जो सी एलिमेंट है वो उसका पेयर होगा इन दोनों के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा सी कॉमा अंडर रूट टू। इसको जो लिखने का तरीका है, सी कॉमा अंडर रूट टू का मतलब होता है कि सी जुड़ा है अंडर रूट टू से और यहाँ पे सी जुड़ा है अंडर रूट फाइव से, ठीक ना। ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक सेट दिया है ए, एक सेट दिया है बी, सेट ए के एलिमेंट दिए हैं, सेट बी के एलिमेंट दिए हैं। अगर एक सेट का इसके साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, कार्तीय गुणनफल लिखना है, तो ये कैसे लिखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हम इस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिलेशन डिफाइन होगा। तो जो रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उसमें क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, लेकिन जो संबंध डिफाइन होता है तो उसी सेट से उसी सेट पे, यानी कि एक ही समुच्चय पे उसी समुच्चय पे क्या होता है जो है संबंध डिफाइन होता है कि उस सेट के अवयव जो है उसी सेट के अवयव के साथ किस प्रकार से जुड़े हैं। तो संबंध का जो डिफिनीशन है वो ये है। एक चीज़ और क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिनीशन अभी हम देते हैं आपको। अगर एक सेट ए है, देखिए यहाँ पे बहुत इजी वे में समझना है, 2, 5, 7, ठीक ना। तो अगर हमें इसी सेट पर, इसी सेट से हमें क्या करना है, कार्तीय गुणनफल डिफाइन करना है, यानी कि हमको क्या करना है, ए क्रॉस ए। आप कैसे करेंगे, ठीक है, इसी सेट से इसी सेट पर हमें एक कार्तीय गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो होगा क्या, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक अलग से एक सेट उसी को फिर से लिख लीजिए, 2, 5, 7, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अगर दो अलग अलग सेट हैं, समुच्चय हैं, तब तो आप कार्टेशियन गुणनफल लिख लेते हैं यानी कि कार्तीय गुणनफल, लेकिन उसी सेट का उसी सेट के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, इसको हमें ऐसे समझना है, 2 को उठाएंगे, 2 के साथ पेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2, 2 को उठाएंगे 5 के साथ यानी कि 2, 5, सिस्टम से सिस्टमेटिक वे 2 को उठाएंगे 7 के साथ पेयर हो जाएगा, 2, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 उठाएंगे तो 5 का पेयर हो जाएगा 2 के साथ, 5 का पेयर होगा 5 के साथ, 5, 5 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, 7, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 7 को उठाएंगे और 7, 2, 7, 5 और 7, 7। तो किसी सेट का उसी सेट के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कैसे लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी सेट का उसी सेट के साथ जो कार्तीय गुणनफल लिखना है, तो वो क्या करिए कि उसको अलग से एक सेट और लिख लीजिए, उसके बाद आप बहुत आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख पाएंगे। अब जो है देखिए, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है कि यहाँ पर 2, 2 है तो ये एक पेयर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रिलेशन, ये देखिए 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रिलेटेड 5, ये देखिए 2 रिलेशन 5, इसको देखिए 2, 5 है, इसका मतलब हुआ कि जो 2 जुड़ा है 5 से जुड़ा है, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रिलेशन 5, यहाँ पे 2, 7 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रिलेशन 7, क्लियर है। अभी धीरे धीरे चीज़ें जो आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है रिलेशन सही से सीख पाएंगे, क्लियर है। अब जो है जो रिलेशन डिफाइन होता है किसी समुच्चय पे, तो ये क्या हुआ कि ए क्रॉस ए यानी कि समुच्चय ए के साथ समुच्चय ए पे टोटल कितना यहाँ पे एलिमेंट हुए, यहाँ पे एलिमेंट हुए 9, लेकिन जो हमारा रिलेशन डिफाइन होता है ये जो है ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि इसमें से कुछ अवयव को हम उठा के, देखिए ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस 9 एलिमेंट में से हम कुछ एलिमेंट को उठा के एक हम नया सेट बना लेते हैं जिसको हम लोग आर से डिफाइन करेंगे, ठीक ना।
जिसको हम लोग आर से डिफाइन करेंगे, और ये जो आर होगा वो एक उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का। ये चीज़ आपको बहुत उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक ना, समुच्चय होता है और एक उपसमुच्चय होता है, ठीक ना। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो इस 9 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट को हम निकाल के एक नया समुच्चय बना लें, ठीक ना, तो वही हमारा होता है उपसमुच्चय। अगर हम मान लीजिए सेट ए है, इसका एक उपसमुच्चय हम मान लीजिए 2.5 ले लें, ठीक ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक ना। ये जो सी है, सी एक उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, सेट ए का, समुच्चय ए का, क्योंकि ये जो समुच्चय बनाया गया है इसी यानी कि सेट ए के कुछ अवयव को लेके बनाया गया, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम एक आर रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दें, उसमें से कुछ एलिमेंट को निकाल लें, मान लीजिए हमारा मन किया 2.2 को निकाल लिए, हमारा मन किया यहाँ पे 2.5 को निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पे 5.2 को निकाल लिए, और यहाँ पे 7.5 को निकाल लिए, और यहाँ पे 7.7 को निकाल लिए, ठीक ना। ये जो है आर है, आर एक रिलेशन डिफाइन करेगा ए क्रॉस ए पे, और कोई भी जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन आर होता है, वो किसी भी सेट पर उसका जो पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से कुछ एलिमेंट को लेके, कुछ अवयव को लेके जो एक नया हम समुच्चय बनाएंगे, वही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। थोड़ा सा अभी आपको उतना स्पष्ट नहीं होगा, जब हम एग्जाम्पल को करेंगे, को ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तब आपको क्लियर होगा। दोस्तों इसकी जो डिफिनीशन है, जो रिलेशन की डिफिनीशन दिया गया है, तो बहुत डिफिनीशन बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें मतलब बहुत कुछ छिपा होता है। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध जो आर है वो हमेशा जो है उसी सेट का जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है, ठीक ना। इतनी छोटी सी डिफिनीशन है संबंध की, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतलब छिपा हुआ है। इसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम अभी जो है सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास 11th का जो समुच्चय है, जो सेट वाला जो चैप्टर है सेट थ्री का, उसको प्लीज़ दे के आएँ, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समुच्चय को जो लिखने का तरीका है, जो रोस्टर मेथड है और एक रूल्स वाला जो मेथड है, उसको थोड़ा सा देख के आएँ तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो समुच्चय सिद्धांत का काम है, ठीक है। तो ये तो हुआ डिफिनीशन, लेकिन डिफिनीशन से काम नहीं होगा जब तक इस पर हम एग्जांपल ना करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब जो है चैप्टर 1 से पढ़ाई शुरू हो गई है, तो परेशान ना हो, उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। तो सिक्वेंस में चलेंगे और बेसिक से चलेंगे, कोई ज़्यादा बहुत कठिन चीज़ें उठा के नहीं चलेंगे, इस तरह से हम समझाएँगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, जो चीज़ें बताई गई हैं उसको ज़रूर देखें, और किताब जो है आप अगर नहीं है तो PDF फॉर्म में आपको जो है मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।